यूपी में बीजेपी ने एक बीजेपी के एक विधायक दिल्ली के अस्पताल में बेड का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने नोएडा में दम तोड़ दिया। यूपी के तीसरे विधायक की कोरोना की वजह से मौत हो गई। नवाबगंज के एमएलए कैसे सिंह गंगवार की मौत पर परिवार वाले अपनी ही बीजेपी सरकार पर आग बबूला है। एक विधायक, सत्ताधारी पार्टी का विधायक, रसूख वाला विधायक और एक अदद अच्छे अस्पताल के लिए ऐसी जद्दोजहद कि सुनकर ही आप सांसद में आ जाएं। जी हां, केसर सिंह गंगवार नहीं रहे। यूपी के नवाबगंज से वो बीजेपी के विधायक थे। कोरोना से जंग उन्हें हारना पड़ा क्योंकि उन्हें जिस किस्म के इलाज की जरूरत थी वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। न पार्टी काम आई, न पद काम आया। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से की गई फरियाद भी काम नहीं आई। इस खत का मजमून देखिए। मैं केसर सिंह गंगवार, विधायक नवाबगंज, कोरोना से संक्रमित हो गया हूँ। मेरा उपचार श्रीराम मूर्ति स्मारक अस्पताल बरेली में चल रहा है। मुझे गहन चिकित्सा और प्लाज्मा थेरेपी की सलाह दी गई है। मुझे मैक्स अस्पताल दिल्ली में एक बेड उपलब्ध कराने की कृपा करें। एक विधायक का यह खत बताता है कि यूपी से दिल्ली तक स्वास्थ्य सेवा कितनी चरमराई हुई है। बरेली कोई छोटा शहर नहीं, लेकिन वहां के एक विधायक को दिल्ली के निजी अस्पताल में इलाज के लिए गुहार लगानी पड़ गई और शायद उचित इलाज के अभाव में जान से हाथ धोना भी पड़ गया। अपने पिता की मौत पर केसर सिंह गंगवार के बेटे विशाल गंगवार ने यूपी और केंद्र सरकार दोनों को आड़े हाथों लेते हुए फेसबुक पर लिखा, क्या यही है यूपी सरकार? अपने ही विधायक का नहीं करा पा रही इलाज। मैंने कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय को फोन किया, मगर मजाल है जो फोन उठा लिया गया हो। धन्य है यूपी सरकार और धन्य है मोदी जी। एक विधायक का ये हाल है तो आम जनता कितनी बेहाल होगी ये समझना मुश्किल नहीं। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।